गाइस वेलकम माई चैनल। आज हम जानेंगे कि फ़ोन पे से अगर आपने चैट किया है या सामने वाले से आपको मैसेज आया है उसे आप कैसे डिलीट कर सकते हो। फ्रेंड्स, तो यहाँ मैं आपको पूरा लाइव दिखाने वाला हूँ कैसे चैट डिलीट होता है हमारा। और फ्रेंड्स, आपको स्टेप बाय स्टेप दिखूँगा क्योंकि इसके अंदर फ्रेंड्स हमारा 3 से 4 स्टेप है जो आपको वो करना है, उसके बाद ही आपका जो चैट है वो डिलीट होता है। तो हम अपने फ़ोन पे में चले जाना है फ्रेंड्स। तो आपको अपना फ़ोन पे ओपन कर लेना है, अगर उस पर लॉक है तो उसका लॉक हटा लीजिए पहले। तो यहाँ मैं इसको हटा लेता हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको अपने चैट में जाना है, जिधर भी आपका चैट है, जो भी आपको चैट डिलीट करना है सबको आपको सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम टू और मोबाइल में चले जाते हैं, इधर जहाँ हमें चैट करते फ्रेंड्स। यहाँ मेरा एक ही चैट है, बाकी आपका 10-12 है, आपको 10-12 डिलीट करना है तो वो कर सकते हो। जैसे एक पे प्रोसेस कर रहा हो वो सब में करना है। तो देखिए मैं आपको पहले भेज के दिखाऊंगा, उसके बाद पूरा आपको ये क्लीन करके दिखाऊंगा। तो हमको भेज लेना है, उसके बाद फ्रेंड्स हमें इसको ब्लॉक कर देना पहले। तो ये पहले भेज देता हूँ क्योंकि बाद में फ्रेंड्स आपको दिख सके कि हमारा चैट नहीं दिख रहा है। अब इसको हमको ऊपर 3 लाइन दिख रही है, आपको 3 डॉट दिख रहे, उस पर क्लिक करके आपको ब्लॉक कर देना है 3 डॉट पे क्लिक करके। तो नीचे से आपको नहीं करना, नीचे कोई ऑप्शन नहीं है, ऊपर से ही आपको करना है। तो ब्लॉक का एक ऑप्शन दिख रहा है, पहले आपको इसको ब्लॉक कर लीजिए जिससे कि ये मैसेज अभी हमको शो नहीं होएगा। अभी फ्रेंड्स देखिए डू नॉट शो दिस मैसेज पे आपको अगेल पे क्लिक कर ला, ये मैसेज मतलब अगली बार शो नहीं होगा, डू नॉट शो दिस मैसेज अगेल। अब हमारा ये ब्लॉक हो चुका है, अभी हमें बैक जाना है फ्रेंड्स। देखिए अभी ब्लॉक हो चुका है, आप मैसेज सामने वाले से आ भी नहीं सकता, जा भी नहीं सकता है। ब्लॉक करने के बाद हमें अपना अकाउंट है उसको क्लियर कर देना, सेटिंग में जाना है, आपको जो फ़ोन पे क्या स्टोरेज है सो पूरा क्लियर कर देना है, क्लियर डाटा कर लेना है। तो ऐप मैनेजर में जाके आपके सेटिंग के वहाँ पे वो जो फ़ोन पे है उसका क्लियर डाटा करना है। तो आपके उसमें एप्लीकेशन मैनेजर होगा, कोई दूसरा मोबाइल है तो अलग अलग सेटिंग होती है, तो उसमें आपको देखना है। तो पी के लिस्ट पर जाना है, आपको भी मिल जाएगा फोन पे। अब स्टोरेज पर जाएंगे और इसका क्लियर डाटा कर देंगे। अब हमें बैक जाके फिर से अकाउंट को बना लेना है फ्रेंड्स। तो हमारा अभी फ़ोन पे का फ्रेंड्स जब से अपडेट आया तब से UPI ID बार बार बनाना नहीं पड़ता है, आप एक बार बना दोगे, पासवर्ड डालोगे तो आपका रिटर्न आ जाएगा। तो बहुत इजी है लॉगिन करना, भी सिर्फ हमारा मोबाइल डालना है और पासवर्ड डालेंगे तो हमारा ये लॉगिन हो जाता है। अब प्रोसीड पे क्लिक कर लेते फ्रेंड्स, अलाउ कर लेना है मैसेज को। और यहाँ 4 डिजिट का जो हमारा पासवर्ड है वो मांगता है, वो इसे देना है। और इसके बाद मैं अभी आपको मैसेज दिखाऊंगा जो हमने किया था वो डिलीट हो जाता है। तो यही प्रोसेस आप करोगे तो आपका चैट जो रहता है वो हट जाता है। देखिए हम ढूंढ लेते, ये नंबर था आपको पहले याद रख नहीं याद है तो पहले जाके देख सकते। देखिए एक भी मैसेज हमारा नहीं दिख रहा है इसके अंदर, और ये हमारा ब्लॉक दिखा रहा है, तो इसको आपको अनब्लॉक नहीं कर लाए और ऐसी रेले देला। और नंबर आप जब तक का नहीं डालोगे तब तक का ये चैट शो नहीं होता है, हमने इसको सर्च किया है इसके लिए शो हो रहा है ऊपर डाल के ले, तो आपका जो चैट था वो हट जाता है। तो ये ट्रिक से आप अपना डिलीट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा, ये सब ट्रिक आप फॉलो कीजिए, एक भी स्टेप इसमें मिस मत कीजिए। पूरा वीडियो आपको देखना है तो आपको 100% देखिए हमारा हो जाता है। ये हमारा डू यू फर्स्ट ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, कोई भी चैट वेट नहीं दिखाता है। आप फिर से देख लीजिए, एक भी चैट नहीं है जो हमने चैट किया था। आप चाहो तो नंबर जो मैंने भेजा था वो चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इसके अंदर पहले जाके ऐसा हमारा सब चैट डिलीट हो जाता है। तो आप ये एक ट्रिक करिए, आपका 100% डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो में इतना, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ऐसी वीडियो आपको मिलते रहती है। अगर आपको कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।